जो क्या है, चार बजे अपने शेर के साथ सबसे शुरू में इब्तिदामा होता है ताबुख, इब्तिदामा होता है ताबुख, ताबुख से ऊपर की चीज है मोहब्बत, जिसको आप अकीदत भी कह सकते हैं। मोहब्बत और अकीदत से ऊपर की चीज है इश्क, इश्क अपने शेर से इश्क, और इश्क से ऊपर की चीज है फनाइयत, अपने आप को शेर के सामने मुकम्मल तौर से बिछा देना, फना होना, अपनी राय को, अपने जज्बात को, अपनी तमाम चीजों को शेर की राय के सामने, शेर के फैसले के सामने सबको फना कर देना, इसका नाम फना कहते हैं। तो इब्तिदा पहली सीढ़ी, पहला सीना ताल्लुक, दूसरा सीना मोहब्बत, तीसरा सीना इश्क, और चौथा जीना फना है, जिसको कहते हैं फना फी शेख। फना फी शेख अगर आपको हासिल हो गया तो फना फी रसूल हासिल होगा, फना फी रसूल अगर आपको हासिल हो गया तो फना फी अल्लाह हासिल होगा, और यही मकाम पर पहुंचने के लिए फना फी अल्लाह, इस मकाम को हासिल करने के लिए किसी सालिह और नेक बंदे से, किसी शेख कामिल से ताल्लुक कायम किया जाता है। समय में बात आ गई, तो इसे है इश्क, इसलिए मिजाज को समझता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम लोगों का जो मिजाज है वो मेरे शेर में मुर्शिद हजरत मुफ्ती मेहमान सर रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी चीजों में बना दिया। मिसाल के तौर से मैं ताजा जो वाक्य तुम सुना रहा हूँ, हजरत वाला अली रहमा जब हम लोग दारुल में पढ़ा करते थे तो तशरीफ लाते थे देवबंद, उस जमाने में टेलीफोन का तो निजाम था नहीं, तो असल खत लिख दिया करते थे, पोस्ट कार्ड, 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखते थे, उसमें लिखते थे कि फुला दिन फुला तारीख में सुबह 10 बजे या 11 बजे कुतुब खाना में मियां पर हाजिर होगी, अगर वक्त हो दिल चाहे तो मुलाकात कर लेना। ये वो कहा करते कि अगर वक्त हो दिल चाहे तो मुलाकात कर लेना। अब जब से हजरत लिखते थे इस बात को, उस वक्त से लेकर के और जब तक हजरत तशरीफ लाते थे उस वक्त तक शिद्दत से इंतजार रहता था। हजरत आते थे, हजरत को हर चंद हम कोशिश करते थे कि हजरत कमरे पर तशरीफ ले चले, जहां हजरत को काम होता था, मिसाल के तौर से नहरमिया पर काम है, उस जमाने में कंप्यूटर की किताबत नहीं होती थी, हजरत की कोई ना किताब, कोई ना कोई किताब की किताबत चलती रहती थी, तो जो कातिब होते थे कातिब के पास जाना, जिस कुतुब खाने पर काम उस कुतुब खाने पर जाना, या किसी और से कोई काम है तो मिल लेना, वरना नहीं, बस जहां काम है वहीं तशरीफ लेना और वहीं से वापस हो जाना। ये हजरत वाले का मिजाज था। दूसरे मुर्शिद थे हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी मिजाज बच्चों ये रहा। हजरत ने एक मरतबा सुनाया कि दारुल देवबंद से मैं 2 मरतबा गया हूँ, मजाहिर से दारुल देवबंद से 2 मरतबा गया हूँ, और दोनों मरतबे दफ्तर एहतमाम में काम था हजरत मुहतमिम साहब से, हजरत कारी मोहम्मद बिन यूसार रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कारी मोहम्मद बिन यूसार रहमतुल्लाह अलैह, तो हजरत मोहतमिम साहब से काम था, तो इसलिए सिर्फ 2 मरतबा दफ्तर एहतमाम में गया और वहीं से वापस हो गया, मैंने दारुल नहीं देखा। तीसरे मुर्शिद थे हजरत मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब मुहाजिर मदनी अली रहमतुल्लाह। हजरत की भी नजर मकसूद पर होती, जहां काम है सिर्फ वहीं जाना, बाकी किसी से नहीं होना। अब मसलन आज हम लोग गए सीधे तलेली चुंगी की तरफ से बाबर कासिम की तरफ, हमने गाड़ी रोकी कमानशाह मस्जिद के सामने, कमानशाह मस्जिद से आगे
और उसके बाद सीधे दफ्तर एहतमाम आ गया हजरत वाला से मुलाकात की, जितनी देर भी मुलाकात करना था तो मुलाकात की और वहीं से सीधे वापस हो गए। यानी जिससे काम होगा सिर्फ उसी से मुलाकात। हम लोग क्या करते थे हजरत मासूम अली साहब वाले नामा के दिन तो सीधे गाड़ी हमारी हजरत के मकान पर ठहरती थी, अल्लाह उनको खूब गरीब रहमत फरमाता था, सीधे हजरत के मकान पर गाड़ी ठहरती थी और वहीं से मुलाकात की और हजरत से मुलाकात करके वहीं से गाड़ी में बैठे वहीं से वापस हो गए। ये जो मिजाज है ना, इन चलो इससे मिलने उससे मिलने, हाँ अगर काम है आपको, आपका दिल चाह रहा है किसी अल्लाह वाले से मिलने का तो मिलिए, आपके साथी से ताल्लुक में आपका दिल चाहता आप उनसे मिलिए मुलाकात कीजिए, किसी दोस्त से मिलने दिल चाहता मिलिए, लेकिन हम खाती है घूमना कि चलो वो देख लें पूरा चीज देख लें, चलो दुकान देख लें उस दुकान पर ये देख लें, मुझे बड़ी उलझन होती है इन चीजों से। अगर इत्र खरीद रहा है तो सीधे अजमल की शॉप पर दुकान पर जाना और बस लेकर कमी से तलबा मिल गए तो बस रास्ते में बहुत सलाम। तलबा का मिजाज ये है कि जहाँ एक दो तालिब इल्म ने देखा फौरन दूसरे तलबा को खबर कर दी। अब दारुल में हमारे बिलासपुर के पढ़े हुए काफी तलबा है, बावजूद इसके कि सीधे हजरत वाला की खिदमत में गए और हजरत वाला से मुलाकात करके वापस